देखिए अब क्या है कि नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 83 है, फ्रीजिंग -41.6 है। अगर ये 65% प्योर है तो डेंसिटी 1.4 ग्राम पर लीटर है, 98% प्योर है तो 1.51 ग्राम पर लीटर है। स्मेल क्या है? शॉकिंग स्मेल है। और सही किससे होता है, बनता किससे? ऑक्सफोर्ड प्रोसेस। अब ये थोड़ी याद करने वाली बात है, जहाँ मज़े मज़े की मैजिकल ट्रिक गुजारे इसमें याद करने की भी चीज़ है। देखो एक बात बड़ी दिलचस्प है कि अमोनिया के 4 मोल है, ऑक्सीजन के 5 मोल है, लेकिन जो एग्जाम में सवाल आता है इनके मोल्स का नहीं आता। वो सवाल ये आता है कि ऑक्सफोर्ड प्रोसेस में स्टेप्स कितने हैं, क्योंकि 3 स्टेप हैं, और जो पहला स्टेप है उनमें वॉल्यूम का रेशो क्या होता है। तो अमोनिया और एयर का रेशो होता है 1:8। देखिए मोल्स का रेशो है, फिर ध्यान में रखिए, जो वॉल्यूम का रेशो होता है वो 1:8, क्योंकि एयर में सिर्फ ऑक्सीजन शामिल नहीं होती, दूसरी गैसें भी शामिल होती हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इसका टेम्परेचर भी पूछते हैं, प्लैटिनियम एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनती है। अभी बड़ी है हैमट्रेक है, जब भी किसी मोनोऑक्साइड में O2 मिलाएंगे, कोई भी मोनोऑक्साइड हो जब भी O2 मिलाएंगे तो हमेशा क्या बनेगा? डाइऑक्साइड। और इसी क्वेश्चन के तहत यानी मोनोऑक्साइड के 2 मोल, डाइऑक्साइड के 2 मोल, O2 का 1 मोल, यहीं आप 2CO प्लस O2 हो जाए 2CO2 हो जाएगा, 2SO प्लस O2 हो जाए 2SO2 हो जाएगा। ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी, इसमें जब वाटर में लाते हैं तो नाइट्रिक एसिड बनता है। देखिए ये नाइट्रिक एसिड से 65% प्योर होता है, तो इसको ज़्यादा प्योर करने के लिए क्या हम यूज़ करते हैं? H2SO4, जो कि डायरेक्ट किंग ऑफ कंपाउंड है, हर जगह यूज़ होता है, यहाँ भी यूज़ होता है इसको प्योर करने के लिए। ठीक है बच्चों,